बायकॉट के बीच आमिर खान को लगा जबरदस्त झटका। रिलीज से पहले बैन हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। फिल्म के बैन होने की खबर पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। एक तरफ सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बायकॉट की मुहिम तेज हो चुकी है, तो वहीं ऐसे में केआरके का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है जिसमें फिल्म के बैन होने की बात कही गई है। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया के यूजर्स काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताएंगे कि किन राज्यों में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बैन किया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बता दें कि अभिनेता व क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी कि केआरके ने सोशल मीडिया पर ये दावा किया है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को अनऑफिशियल बैन किया गया है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म लाल सिंह चड्ढा को यूपी, एमपी, हरियाणा आदि में अनऑफिशियल बैन किया गया है। एग्जीक्यूटर्स शो चलाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद केआरके ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स के मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जहां केआरके के ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ऑफिशियली हो जाना चाहिए, तो वहीं कई लोग इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो यूपी एमपी से सीटों को बुक करने के ऑप्शन के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कहा है कि वो तो टिकट बुक कर पा रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें कि केआरके ट्विटर पर बॉलीवुड से लेकर देश विदेश की राजनीति तक पर टिप्पणी करते रहते हैं और अक्सर उनके ट्वीट्स वायरल हो जाते हैं। केआरके को कभी सोशल मीडिया यूजर्स का सपोर्ट मिलता है तो कभी वो खूब ट्रोल होते हैं। बीते कुछ वक्त से केआरके आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने फिल्म को लेकर ये बड़ा दावा किया है। गौरतलब है कि लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप का इंडियन अडेप्शन है। लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य भी हैं। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हालांकि उससे पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आमिर खान और उनकी पत्नी और साथ ही साथ करीना कपूर का दिया गया बयान, जहां एक और करीना कपूर कहती हैं कि हम आप सबको अपनी फिल्म देखने के लिए फोर्स तो नहीं करते हैं, तो वहीं आमिर खान की पत्नी ने ये बयान दिया था कि उन्हें भारत में रहने पर डर लगता है। ऐसे में अब आपको तय करना है कि आप ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में पहुंचने वाले हैं या फिर आप भी इस फिल्म का बहिष्कार करने वाले हैं, बायकॉट करने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या सच में इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।